नमस्कार, मैं विद्यांशी द्विवेदी और आप देख रहे हैं thescoopbeats.com। लखीमपुर हिंसा मामले में लगातार राजनीतिक दलों की राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कई अलग अलग दलों के पार्टी के लीडर्स या फिर नेता लखीमपुर में पीड़ितों के परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। हाल ही में 6 अक्टूबर को कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा समेत पीड़ितों के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। उनसे मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बीजेपी के ऊपर कई आरोप लगाए। उनका कहना था कि अजय मिश्रा लखीमपुर के होम मिनिस्टर हैं, इस वजह से उनके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा कि वो रिज़ाइन करें और उनके बेटे की गिरफ्तारी भी नहीं की जा रही है। उनका कहना था कि इस पूरे मामले में पीड़ित किसी भी तरीके का कंपनसेशन नहीं चाहते, बल्कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना चाहते हैं। इसके अलावा उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने यूपी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना था कि उनको बिना किसी वारंट और बिना किसी ऑर्डर के अरेस्ट कर लिया गया, तो फिर आरोपी को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि आरोपी के खिलाफ कई सारे वीडियो भी आ चुके हैं। इसके अलावा जिन राजनीतिक दलों का इससे कोई लेना देना शायद नहीं है, वो भी लखीमपुर दौरे के लिए पहुँच रहे हैं। अब कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी के नेता भी लखीमपुर में पीड़ितों के परिवार से मिलने के लिए आज पहुंचेंगे। यूं तो लखीमपुर यूपी का हिस्सा है, लेकिन जिन राज्यों को यूपी से कोई लेना देना नहीं है, वो राज्य भी इस पूरे मामले में मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार भी अब इस पूरे मामले में राजनीति कर रही है। जी हां, उन्होंने 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद करने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पंजाब से लखीमपुर के लिए कांग्रेस की मार्च निकालने की बात कही है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने भी यूपी सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। जी हाँ, उनका कहना है कि अगर 8 दिन के अंदर आरोपी को अरेस्ट नहीं किया गया, तो फिर पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। वहीं इसके अलावा आज देश की सर्वप्रथम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है और आज वहाँ इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद अब हर किसी की नज़र सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल स्कूप बीट को फॉलो करिए। कैमरा पर्सन आयुष श्रीवास्तव के साथ मैं विद्यांशी द्विवेदी, thescoopbeats.com।